ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है। और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा।